हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आई हूँ राष्ट्रीय रेल संग्रहालय यानी कि रेल म्यूज़ियम। ये थोड़ा सा मैं आपको अंदर का म्यूज़ियम दिखा रही हूँ, बाकी मेरी वीडियो में मैं आपको खास म्यूज़ियम नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स और अपना दिन कैसा गया, ये मेरा व्लॉग आज उसी का है। और आपको रेल म्यूज़ियम की अगर वीडियो देखनी है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। बाबर को देखो कितने ज्यादा एंगल ले लेते हैं। मेरे शूट कर रहा है, बहुत अच्छा शूट कर रहा है बाबर। मुझसे तो उम्मीद है, तो मैं तो गिव अप कर चुकी हूँ। मैंने बाबर को कहा कि वही यूट्यूब पर शूट करेगा और मैं इंस्टा के लिए बनाऊंगी। देखो, और आपको ऐसा शूट मिलने वाला है इस कैमरा के फोन से ही कि कैमरे का फील आने वाला है आपको। कह रही हूँ कि तुमको ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनानी, पर ये मेरी सुन नहीं रहा है। ये हर एक ट्रेन के पास जाके उसको जूम इन जूम आउट करने में लगा हुआ है। इतना बेवकूफ़ है, उसको ये नहीं पता कितनी लंबी लंबी यूट्यूब वीडियो नहीं देखता कोई। बोरिंग डे। चलो, इसको समझ में तो आया कि क्या ही लेना देना, इतनी देर से लगा हुआ यार शूट करने में, रोक भी नहीं रहा। वाह यार, ये अच्छी लग रही लोकेशन, देखो। धागों से बना हमारा झंडा, कुत्ता है ना बाबर लगा हुआ है, पता नहीं अपनी वीडियोज ही बनाने में, मेरी सुन ही नहीं रहा। मैं पता नहीं अच्छा होगा इसके साथ आगे। तुषार, आई मिस यू। हम अंग्रेजों के जवान, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। और ये देखो, ये अंग्रेजों के ज़माने की चेयर्स हैं। हाँ, देखना उसमें शेर साहब का मुंह भी है। क्या है ये, कोई तो है पर पता नहीं। तो जल्दी से कर लिया एग्जिट, क्योंकि मुझे ना ये म्यूजियम वगैरह ना ज़्यादा रास नहीं आते, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे असली इंटरेस्ट तो सिर्फ एक ही चीज़ में, वीडियोज़ बनाने में, और उसी के लिए मैं बाहर निकल रही हूँ, अपनी वीडियो बनाती हूँ। अब हम लोग जो है बैठ के, और ये चल रहा है आधा पार्ट आ रहा है गलत वाला, तो अभी हम लोग जो है वेट कर रहे हैं। हाँ, राइड पे जाने वाले हैं। हाँ, तो आप वीडियो में बने रहो देखने के लिए कि किस राइड पे जा रहे हैं हम लोग। मैं किसी राइड में आए हम लोग, देखो कितना अंधेरा है। आएंगे कहाँ यार हमको लेके, क्या करना क्या है यार। मैं ना ट्रेन चला रही हूँ, हाइट छोटी पड़ रही है सीट पे बैठ कर, मतलब फील हो रहा है कि चल रहा है। हाँ, फील हो रहा है क्योंकि देखो हमारी ट्रेन चल रही है, ये मैं ट्रेन चला रही हूँ। बाबा, तुझे मेरे पे भरोसा है? अबे चल। बाबा, कैसा लग रहा है? और हवा भी आ रही सच में यार, पूरा ऐसे लग रहा है उदयपुर आ गए क्या? क्या हुआ, कुछ उड़ाया क्या मैंने? डर क्यों रहा है तू? उन्होंने बोला कुछ स्पीड में, पावर को बाइक स्पीड में चलाने की आदत है, तो पावर को ट्रेन के हाथ में उड़ाऊंगा। बाबर अपना कैमरा सेट करते हुए, ये हमारा कैमरा मैन। हाँ, इधर से निकाला कोयला निकाला, तभी तू मजदूर जैसा लगता है ना। देखो, पहले से पता है सब। बंद,
फिर होता है गरम क्या क्या पूरा तो बोल क्या क्या बेरोजगार क्या क्या बोला तूने? मैं मैकेनिकल का बेरोजगार इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है? कुछ भी होता है बिहार में। ये ये हम लोग रील्स ढूंढ रहे हैं कि कोई ढंग का मिल जाए। यार बहुत बुरा लग रहा है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा मेरे पे, ज्यादा सूट कर दिखा मेरे को, दिखा अभी देखेगी पब्लिक और बताएगी किस पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, वोटिंग हो जाएगी। मैंने काला चश्मा जचना है, वो तो मेरे पे भी जच रहा था। ये देख पहले वीडियो। और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। लोकेशन जो है बहुत ज्यादा बड़ी है। एक दिन रेल म्यूजियम, और हालत बहुत बुरी हो गई है। जो बाबर है उसके एंगल ही सेट नहीं हो पा रहे हैं। इंस्टा की 2 से 3 रील्स बनानी है और हम लोगों का ना दही और तेल सब निकल गया है। होपफुली कि कुछ अच्छा कंटेंट निकल कर आएगा। और ये तो सर मेरा एक व्लॉग टाइप वीडियो है, लेकिन असल रेल म्यूजियम जो है आपको बाबर दिखाएगा अपनी वीडियो में। जैसे ही वो एडिट करेगा मैं जल्दी अपलोड करूँगी। फाइनल हम लोग पैकअप करने के उसमें है। पता नहीं मैं कब एडिट करूँगा। हाँ कुछ टाइम नहीं है क्योंकि बाबर साहब के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। कामचोर भी हूँ। हाँ एग्जैक्टली, कामचोर बहुत बड़ा ही है। तो अब देखते हैं, अभी तो फिलहाल स्लो चलते हैं। लास्ट शूट कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे। बहुत भूख लग रही है यार। खाने से याद आया, मैंने खाया नहीं कुछ भी। मेरे पास उपमा रखा है, ये नहीं खाऊंगा। अच्छा है, काजू बादाम डाले हुए। सो अगर मैं आपको यहाँ का रिव्यू दूँ तो मैं कहना चाहूँगी कि मुझे तो कोई ख़ास जगह लगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली रेल म्यूज़ियम है तो म्यूज़ियम में रेल ही होगी। बट ना बस ऐसा लगा रेल ही रेल है यार, कुछ क्रिएटिव, कुछ अलग, कुछ हटके कुछ भी नहीं था। तो मुझे ना अटैचमेंट नहीं हो पाई। सो मुझे ओहो हम उल्टा जा रहे हैं। हाँ तो कुछ अटैचमेंट, कुछ मज़ा खास आया नहीं मुझे। बट ओवरऑल बच्चों के लिए बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है ना। बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए अगर कुछ सीखना है तो, हाँ सीखना है तो सीखना है, क्या सीखेंगे? चाणक्य की कोना कैसे ढूंढे, नेशनल रेल म्यूजियम। नहीं मतलब वैसे अच्छा है। हाँ तो ठीक ठाक है लिखने की। हाँ ठीक है, बट मेरे को पर्सनली उतना कुछ खास नहीं लगा। और भी आ रहे हैं, ये सर हमें भी सुनाएंगे। हाँ बच गए। हाँ ये था ओवरऑल मेरा आज का रेलवे वाला दिन। ठीक है, शाम का एग्जिट सीन। हाँ ये शाम का एग्जिट सीन है। और मतलब वैसे देखा जाए तो जगह बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है ना, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा आ गए आ गए आ गए। तो हमने अभी एग्जिट लिया और वो ताला मार के चले गए। हो सकता था कि हम लोग कैद हो जाते, पर हम लोग हमें निकाल के बाहर खड़ा। यार थोड़ी तो इज्जत, थोड़ी तो इज्जत रहने दे यहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं, आप भी आइए एक दिन कभी रेल म्यूजियम घूमिए फिरिए। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।